नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमर वर्मा और आप देख रहे हैं हमारे साथ खास बातचीत में मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं नेहा वर्मा और साथ ही महक शर्मा हैं। आज हम बात करेंगे कि जो नेता आते हैं कि दिल्ली को रेप कैपिटल बताते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला मैं नेहा जी से बात करना चाहूंगा। नेहा जी, दिल्ली को रेप कैपिटल पहले नरेंद्र मोदी भी बता चुके हैं, अभी राहुल गांधी ने कहा जी, राहुल गांधी ने पूरे भारत को ही रेप कैपिटल बता दिया। उन्होंने कह दिया है कि भी रेप इन इंडिया, कि भी मतलब कि भारत में रेप ही होते हैं। इसके लेकर संसद में जो कि काफी बहस भी चल रही है सुबह से, कि स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी जिस तरह से बयान दे रहे हैं जो कि भारतीय महिलाओं के लिए बिल्कुल भी अच्छे बयान नहीं है, उनको ऐसे बयान नहीं दे जो कि बीजेपी जितने भी नेता है उनको कह रहे हैं कि माफी मांगे राहुल गांधी जी। महक जी, कभी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि रेप का जो दिल्ली है रेप कैपिटल बन रही है, कभी राहुल जी बोलते हैं, लेकिन इसके बीच में कोई ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि कोई सलूशन निकले, देश में अच्छा कड़ा कानून बने कि जो रेपिस्ट होते हैं उनको अच्छे मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिले और जल्द से जल्द मिले। देखिए अमर जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि रेप की कोई भी स्पेसिफिक जगह नहीं है। दिल्ली तो सिर्फ एक नाम है क्योंकि निर्भया वहां से निकल कर आई। अभी जैसे हम हैदराबाद की बात करें तो प्रियंका, लेकिन मैं इस वक्त मानूंगी कि पूरी जो कंट्री है वो रेप की चपेट में आई हुई है। और इसका एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है जो सुप्रीम कोर्ट को निकालना होगा, जो हमारे पूरे देश को मिलकर एक एकजुट होकर एक ऐसा समाधान निकालना होगा कि हमारे कंट्री से ये रेप नाम का वर्ड है वो बिल्कुल हट जाए। तो महक जी, आप ये बताएं कि जो हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ चार लोगों का, क्या आप उसको अच्छा मानते हो? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं, एनकाउंटर हुआ वो बिल्कुल अच्छा हुआ, लेकिन रेप अच्छा नहीं हुआ सर। देखिए मैं मेरा सवाल ये था महक जी कि जो एनकाउंटर हुआ कोर्ट की बिना सजा के उसके बिना दोषी करार दिया उनको एनकाउंटर कर दिया। एक चीज यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि इस बात से हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, हम यानी कि अपने कोर्ट के फैसले पर निर्भर ना हो कि हमने पुलिस वालों को कहा कि पुलिस वालों ने ये काम किया, तो यानी कि हमारा जो कानून है वो कहीं ना कहीं अभी भी पिछड़ा हुआ है, वो उतने सख्त कानून नहीं बना पा रहा है कि जिससे हमने पुलिस वालों पर निर्भर होना पड़ा। नेहा जी, जो भी उनका चारों लोगों का मतलब रेपिस्ट का एनकाउंटर किया गया तो देश में खूब खुशी की लहर रही, यहाँ देखी जाए तो पुलिस को फूल बरसाए गए, आप क्या कहेंगे? जी, खुशी की बात तो है कि भी जो चार दोषी थे उन्होंने एक एक महिला के साथ इस तरह से दुराचार किया जो कि सबके दिल को दहला देती है। यह सबसे बहुत ही निर्मम काम था कि उन्होंने इस तरह से एक लेडी के साथ ऐसा किया, फिर उसको जिंदा जला दिया। क्या मतलब कि जिस तरह से उसने उसकी आत्मा तड़पाई, तो उसके साथ एनकाउंटर होना बिल्कुल भी वाकई था, ये बिल्कुल सही पुलिस का कदम था, इसमें पुलिस की वाहवाही होनी। तो नेहा जी, क्या मान ले कि फिर जितने भी जिस प्रकार से रेप हो रहे उन रेपिस्टों को पुलिस के हवाले कर दिया जाए, कोर्ट को बंद कर दिया जाए? कोर्ट को बंद, पुलिस को बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन कोर्ट को एक ऐसा कानून लेके आना चाहिए जो बिल्कुल एट द स्पॉट हो, एट द स्पॉट उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि उनको भी एहसास हो कि हमने ये गलती की है और इसकी हमें सजा मिलनी चाहिए, एट द स्पॉट होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने भी बताया, आप शुक्रिया महक जी, यहाँ जी आपका भी शुक्रिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।